लाल किला पर निबंध, हिंदी एसे ऑन रेड फोर्ट। लाल किला एक ऐतिहासिक स्मारक है। सन 1638 में मुगल बादशाह शाहजहां ने यह किला बनवाया था। लाल पत्थरों से बना होने के कारण यह लाल किला कहलाता है। लाल किला यमुना के बाएं तट पर चांदनी चौक के सामने स्थित है। लाल किले में बहुत सी इमारतें हैं। दो इमारतें जिनके नाम दीवाने आम और दीवाने खास हैं। ये दोनों इमारतें यहाँ की विशेष इमारतें हैं। दूर दूर से लोग लाल किला देखने आते हैं। लाल किले में अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले मिनी मार्केट आती है, जहां पर बहुत सी प्राचीन कला की वस्तु मिलती हैं। लाल किले को रेड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाल किला लाल संगमरमर से बना हुआ है और लगभग 250 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें की गई कारीगरी बहुत ही सुंदर है। प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक पूरे विश्व भर से इसे देखने के लिए पहुंचते हैं। देश की इस ऐतिहासिक संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार 24 घंटे इसकी देखरेख करता है। 15 अगस्त के अवसर पर प्रतिवर्ष भारत के प्रधानमंत्री लाल किले में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। लाल किले में देखने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, जैसे रंग महल, मुमताज महल, खास महल, हम्माम, शाह बुर्ज, दीवाने खास, नाहरे विशिष्ट। इसमें की गई कारीगरी बहुत ही उम्दा कारीगरों द्वारा करवाई गई है। लाल किला आजादी के बाद स्वतंत्रता सेनानियों को सौंप दिया गया था और ये उस समय का सबसे महंगा किला था। लाल किले को देखने हर रोज देश विदेशों से बहुत से दर्शक आते हैं और यहाँ से मिलने वाली प्राचीन कला की वस्तुओं को भी खरीदते हैं। लाल किला आज भी देश का गौरव बढ़ाता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले से तिरंगा फहराया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Remember to subscribe.